नमस्कार दोस्तों, इट्स मी विवेक एंड यू आर वाचिंग वी रॉक एंड पॉप म्यूजिकल चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कैसियो LKS 250 के अंदर कॉर्डाना प्ले का जो फंक्शन है, स्पेशली LKS 250 में वो एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले होता तो क्या है कि LKS सीरीज में अपन स्पेशली जो है लाइटनिंग की बैड मिल जाता है हमें, जो भी की प्रेस करते हैं उस पर आप लाइट का इफेक्ट देख पा रहे होंगे। तो उसकी वजह से होता क्या है, CTK में भी हम कॉर्डाना प्ले यूज करते थे, CTS में भी करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि ऐप पे आपको स्क्रीन पे देखना पड़ता है, फिर वापस की पे बजा के देखना पड़ता है, स्क्रीन पे देखो की पे देखो, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो अच्छे से नहीं हो पाता था हमारा। तो इसके अंदर एडवांटेज ये है कि आपको कीबोर्ड पे ही देखना है और कहीं देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप जब भी लेसन देखो। तो उसका एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं मैं आपको आज दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कनेक्ट कैसे करना है, वही माइक्रो USB केबल रहेगा, उसके साथ OTG कनेक्ट कनेक्ट कीजिए और आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कीजिए USB के थ्रू। फिर आप प्ले स्टोर से कॉर्डाना प्ले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप देख पा रहे हैं ये कनेक्ट हो जाएगा सिंपली, और कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐप इंटरफेस भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको जस्ट जो भी सॉन्ग है ये इंटरनल सॉन्ग आपको दिख जाएंगे। तो वैसे ही मैं अपने मोबाइल में जो कोई भी MIDI फाइल रखी हुई है वो भी आप देख पाएंगे। तो आपको ये जो बॉलीवुड की जो कुछ MIDI फाइल्स है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई सॉन्ग ले लेते हैं, ये चुरा लिया जो, और मैं ऑन करता हूँ ओके, तो ये आपको दिखाएगा। फिर आपको प्ले सेटिंग में क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं टेम्पो यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ लर्निंग पर्पज़ है, तो मैं 145 टेम्पो रखता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉन्ग को देखेंगे, उसके बाद स्टेप लर्निंग फीचर वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्लोज करके मैं यहाँ से सॉन्ग को पहले से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से देखिए। आप लाइटिंग देख सकते हैं, क्या बजाना है आपको की पे ही पता चल जाएगा। फिर आपको राइट पार्ट मेलोडी भी दिखेगी। तो इससे हमें एक ब्रीफ आइडिया आता जाता है कि कॉर्ड पे क्या बजाना है, मेलेडी पार्ट कहाँ से प्ले हो रहा है, तो आपको इसका एक ब्रीफ आइडिया मिलते जाएगा। आप स्क्रीन पे पहले देख लीजिए, ये अपनी कन्वेंशनल मेथड जैसे कि CTK CTS में करते थे, लेकिन LKS के अंदर ये एक एडवांटेज हमें मिलता है। ये देखिए कीज लाइटनिंग एक आपको पता चलेगी, कॉर्ड भी पता चलेगा, मेलेडी भी पता चलेगी, तो वो काफी इजी होगा लर्नर्स के लिए। और उसी के साथ यदि हम इसकी प्लेबैक में हम देखें कि कैसे प्ले करते हैं, या फिर उसको स्टेप लर्निंग मोड में डाल देते हैं हम, और लेसन पार्ट में चाहे तो हम राइट पार्ट को यहाँ पे एक्टिव करते हैं, फिर यहाँ पे स्टेप लर्निंग में ऑन करता हूँ, तो राइट हैंड मेलोडी सीखनी है। तो आप देख सकते हैं अभी हम जब तक ये प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। गलत बजा तो भी आपको नोट करें। बिल्कुल से सीखने में मैं जैसे लर्नर हूं ऐसे आपको दिखा रहा हूं।
जो भी पार्ट आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। फिर बाहर बन के आओ, एकदम बिगिनर है जिसको सॉन्ग का बिल्कुल से देख करके सीख करके बजाना है, उसके लिए एलकेएस में ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। मुझे स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे कीज को ही फॉलो करेंगे तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। वापस आप प्लेबैक सेटिंग में राइट हैंड पार्ट भी चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, के हम यहाँ पे वापस सॉन्ग को फॉर एग्जांपल कोई चेंज करते हैं, फिर मैं दोनों को एक्टिव कर दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वापस टेप लर्निंग मोड में इसको एक्टिव करते हैं। जैसे कि ये बताएगा कि मुझे कॉर्ड प्रेस करना है तभी आगे बढ़ेगा। कॉर्ड चेंज करना है, तो वापस आपको फिर यहां पे एक मेलोडी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लर्निंग करना कितना आसान हो जाता है अपने लिए, विच इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल। तो एक बार वापस आपको इसका सॉन्ग प्लेबैक में आपको चेंजेस लाने हैं तो वो भी आप ला सकते हैं। आपके पूरा यूज़र फ्रेंडली हो सकता है, आप में स्टेप लर्निंग ऑफ करके वापस एक बार सॉन्ग को पहले दो तीन बार चाहे तो सुन सकते हैं, उसके बाद सीखिए। देखिए पहले अच्छे से कॉर्ड्स है, मेलोडीज है, उसको रट लेना है तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो थैंक्स फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।